नमस्कार, मैं प्रिया। आज 16 दिसंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेयजल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लेंगी जीविका दीदियां। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को 15 दिनों के अंदर देना होगा हिसाब किताब। बीते दिन बिहार वासियों को सीएम नीतीश ने दिया एक और सौगात। बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच बिहार वासियों को मिली बड़ी राहत। विशेष राज्य का दर्जा देकर बिहार के साथ करे न्याय। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पेयजल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लेंगी जीविका दीदियां। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ बिहार के हर एक गांव शहर में पहुंचाने के साथ काम किया जा रहा है। राज्य के 4004 ग्राम पंचायतों के 37484 वार्डों में हर घर नल का जल योजना के तहत हो रहे पेयजल आपूर्ति का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। इसके अंतर्गत जीविका दीदियों की बनी सोसाइटी के माध्यम से घर घर जाकर योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी ली जाएगी। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गीताश्री की। गीताश्री पत्रकार और साहित्यकार हैं। कहानी, कविता, लेख इनकी प्रमुख विधाएं हैं। लाइव इंडिया वेबसाइट की संपादक गीताश्री आउटलुक पत्रिका की सहायक संपादक और बिंदिया पत्रिका की संपादक भी रही हैं। गीताश्री का जन्म 31 दिसंबर 1965 ईसा में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में कविता जितना हक, औरत की बोली, श्री आकांक्षा के मानचित्र, नागपाश में श्री सपनों की मंडी, तेज लेखिकाएं और राजेंद्र यादव, प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां, सोनमच्छी, जिसके लिए उन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार, मातृश्री अवार्ड, राष्ट्रीय कला समीक्षा सम्मान, ग्रासरूट बेस्ट फीचर अवार्ड, UNFPA लाडली मीडिया अवार्ड, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया मीडिया फेलोशिप 2008, इन चेंज मीडिया फेलोशिप 2008, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया मीडिया फेलोशिप 2010, आदि आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को 15 दिनों के अंदर देना होगा हिसाब किताब। बिहार में पंचायत चुनाव अब खत्म हो गया है और बिहार के सभी गांव की सरकार भी बन गई है। ऐसे में अब आयोग नियम के अनुसार चुनाव में उतरे सभी उम्मीदवारों से चुनाव के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा लेने वाला है। हालांकि इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों ने तो जीत दर्ज कर ली है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन उम्मीदवारों को हार मिली है ऐसे उम्मीदवार अभी हार के बोझ से ही उबर रहे होंगे। ऐसे में उनके पास अभी चुनाव खर्च का हिसाब देने के लिए पूरे 15 दिनों का समय बचा हुआ है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कई लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया है। ऐसे में जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे उनको हर हाल में अपना चुनावी खर्च का हिसाब देना होगा। बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रबंधन के लिए डॉक्टर और नर्स हुए तैनात। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इससे और युक्त संगत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कंप्लीट ऑक्सीजन मैनेजमेंट के तहत मॉनिटरिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर और नर्सों को तैनात किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को इसको लेकर एक पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर और नर्सों की प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और नर्सों की प्रतिनियुक्ति कर दी है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। के कारण शहरों का पारा गिरा 10 डिग्री के नीचे। प्रखंड में ठंड का असर अब बढ़ने लगा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 12 से 14 जिलों में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इन जिलों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि सबसे ज्यादा पारा कटिहार में 2.7 डिग्री तक नीचे गया है। इसके साथ ही कुछ जिले ऐसे भी है जहां न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। बिहार में पूसा 2 दिन में सबसे ज्यादा ठंडी जगह रही है। बिहार में ठंड बढ़ने को लेकर पटना मौसम केंद्र ने बताया है कि पछुआ हवाओं के चलने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। विभाग ने बताया है कि अभी ही प्रदेश के 8 से 10 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ चुका है। नए साल पर बिहार के कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। साल 2021 अब अपने समापन की तरफ है और जल्द ही नया साल भी आने वाला है। हालांकि यह नया साल कोरोना के लिहाज से कैसा होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन नए साल पर बिहार के केंद्रीय कर्मियों को सौगात मिलने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। उम्मीद है कि नए साल के साथ ही कर्मियों को 18 महीने के एरियर की भी सौगात मिल जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2021 जबरदस्त रहा है। इस साल उन्हें 28% डीए के बाद 31% महंगाई भत्ता को भी स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने कहा था कि महंगाई भत्ते के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही मिलेगा। इसी ऐलान के साथ एरियर को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हुई है। यानी पूरी उम्मीद है कि साल बदलने के साथ ही और नया वर्ष आने के साथ ही कर्मियों के हिस्से बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अब महावीर मंदिर करेगा भागवत गीता का प्रकाशन। महावीर मंदिर की तरफ से आम लोगों को आसानी से पढ़ने समझने के लिए नए कलेवर में गीता का प्रकाशन होने वाला है। इस किताब में गीता के मूल श्लोक के अलावा परिच्छेद, शब्दार्थ, पद्य अनुवाद और शब्द
अनुक्रमणिका आदि का समावेश होगा, जिसका ऐलान महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने गीता जयंती के मौके पर मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किया है। अनुग्रहण शुल्क पक्ष की एकादशी तारीख को बीते साल की तरह महावीर मंदिर में गीता जयंती का आयोजन किया गया था। इसी दिन से महाभारत का युद्ध भी शुरू हुआ था। इसमें कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। केंद्रीय विद्यालय में ठंड की छुट्टी में 6 दिनों की हुई कटौती। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस बार जारी की छुट्टी में कटौती की गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल संस्थान लंबे समय तक बंद थे। इसकी जानकारी केवीएस द्वारा सभी केंद्रीय विद्यालयों को भेज दी गई है कि जाड़े की छुट्टी 22 दिसंबर से शुरू होगी। छुट्टी पहले 9 जनवरी तक निर्धारित थी। 10 जनवरी को स्कूल खुलना था, लेकिन अब 2 जनवरी तक ही छुट्टी रहेगी। 3 जनवरी को स्कूल खोल दिए जाएंगे, जिससे हर कक्षा का सिलेबस पूरा किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल को लंबे समय तक बंद रखा गया था, क्योंकि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अब तक कोई खास पहल नहीं की गई है। ऐसे में उनके संक्रमित होने की सबसे ज्यादा संभावना बन रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार ने अब यह निर्णय लिया है। के सोहगरा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सोहगरा धाम स्थित बाबा हंसनाथ का मंदिर गुठनी प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जानकारी के अनुसार शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में जो 21 शिवलिंग का वर्णन है, उसमें 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा शिव हंसनाथ सोहगरा शिवधाम में विराजमान विशाल शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में दैत्यराज वानरसुर ने की थी और इसके कई पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर पूरे एक महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें व्यापक स्तर पर श्रद्धालु आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ सराहनीय कार्य। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज मंत्रिमंडल में विराजमान है, जिसके तहत वो केंद्रीय इस्पात की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने सीएम नीतीश की खूब तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के उनके संकल्प को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शायद ही कोई बिहार का जिला होगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। सभी जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिहारवासियों को सीएम नीतीश ने दिया एक और सौगात। इन दिनों बिहारवासियों को एक के बाद एक लगातार सीएम नीतीश सौगात देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन सीएम नीतीश ने बिहारवासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत सीएम नीतीश ने ऊर्जा विभाग की योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत की। पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे हुई थी। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 3452.11 करोड़ की योजना का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं 12,657 करोड़ की लागत की स्मार्ट प्रीपेड मीटर की राज्यव्यापी योजना की भी शुरुआत की। बिहार में मिला अमेरिकन उल्लू। बिहार में बीते दिन अमेरिकन बर्न प्रजाति का एक उल्लू मिला है, जिसको देखकर वन विभाग भी आश्चर्यचकित है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के डपरखा वार्ड नंबर 9 में एक अमेरिकन बर्न प्रजाति का उल्लू सबसे पहले मिला। उसके बाद इसी प्रजाति के 3 उल्लुओं को रेस्क्यू किया गया, जो कि सीमावर्ती जिले किशनगंज से भी 3 उल्लुओं को रेस्क्यू करने का काम किया गया, जिसके तहत वन विभाग इस तरह उल्लुओं का मिलना पर्यावरण संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों की सफलता जाहिर कर रहा है। हालांकि वन विभाग को इस बात की भी चिंता है कि यह उल्लुओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में इनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है। कोरोना के मामलों के बीच बिहारवासियों को मिली बड़ी राहत। बिहार में कोरोना के मामलों में बीते 2-3 दिनों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच बीते दिन बिहारवासियों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद ही सामने आकर बिहार में अब तक ओमिक्रॉन के एक भी मामले की पुष्टि नहीं होने की बात कही है। बिहार में भी जीनोम सिक्वेंसिंग जांच के लिए 12 सैंपल भेजे गए थे। राहत की बात यह है कि एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल बिहार में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम संभावित खतरों को लेकर तैयार हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इजाफा करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। जदयू कार्यालय के बाहर वार्ड सचिव ने दिया धरना। बीते दिन वार्ड सचिव के स्थायी नियुक्ति की मांग और मानदेय को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला, जिसके तहत बीते दिन ही पटना में सैकड़ों पंचायत वार्ड सचिवों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। इसमें सीधी मांग उनकी थी कि जल्द से जल्द सरकार इनके मानदेय की घोषणा करे, साथ ही इनकी नियुक्तियों को भी स्थायी किया जाए। इसको लेकर धरने पर बैठे वार्ड सचिव ने साफ कहा है कि 4 साल पहले ही हम लोगों की नियुक्ति की गई है, अभी तक सरकार 1 रुपया भी मानदेय के रूप में नहीं दे सकी है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रही है। उल्टा सरकार ने फिर से नए वार्ड सचिव की नियुक्ति की बात कह दी है, जो कि सरासर गलत है।
विशेष राज्य का दर्जा देकर बिहार के साथ करें न्याय। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग अब बिहार में लगातार हो रही है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी मांग कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जितनी जल्दी हो सके बिहार को उसका हक दे। ललन सिंह ने ट्वीट कर पीएम मोदी से विशेष राज्य के दर्जे की लंबित मांग को जल्द स्वीकार करने की गुजारिश की है। इस बाबत उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में अपने दम पर विकसित और संसाधन युक्त राज्यों के साथ दौड़ लगाना बिहार के लिए असंभव सा है, लिहाजा हमारी मांग पर फैसला ले। हालांकि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भाजपा का स्टैंड जदयू से बिल्कुल अलग है। नीतीश सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी कहा है कि यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जायज नहीं है। तेजस्वी और रचेल को किन्नरों से भी मिला आशीर्वाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बाद बिहार लौटा है। इसी बीच तेजस्वी और उनकी पत्नी को लेकर अब तक कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच अब तेजस्वी और रचेल को किन्नरों द्वारा आशीर्वाद देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। आलम कुछ यूं रहा कि राबड़ी देवी आवास पर बधाइयां देने के करीब एक दर्जन की संख्या में किन्नर पहुंचे। काफी देर तक वो राबड़ी आवास के बाहर ही गीत गाते रहे और डांस भी किया। काफी देर के बाद वो आवास के अंदर गए और तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी को भी बधाई दी, जिसके बाद राबड़ी देवी की तरफ से उन्हें बख्शीश दिया गया। हालांकि किन्नरों ने कहा कि आज लालू यादव होते तो उन्हें मालामाल कर देते। मांझी ने फिर से खोली शराबबंदी की पोल। जीतन राम मांझी ने अब शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में कौन नहीं जानता कि नेता, अफसर और जज जैसे बड़े लोग शराब पीते हैं, लेकिन गरीबों को 50 मिलीलीटर शराब के लिए भी जेल भेज दिया जाता है। मांझी ने कमजोर वर्ग के लोगों को सलाह दी, ज्यादा नहीं लिमिटेड मात्रा में शराब पियो और घर में सो जाओ, बाहर मत निकलो। विकास के लिए राज्य सरकार ने नहीं बनाई कोई नीति। भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बीते दिन बिहार को पिछड़ा करार देकर विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार के पास कोई नीति नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार की मदद कर रही है और ज्यादा करना चाहती है, लेकिन जब राज्य सरकार के पास नीति ही नहीं होगी तो केंद्र सरकार कैसे मदद करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, वो भी मानते हैं कि बिहार पिछड़ा है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा कहा है कि बिहार पिछड़ा है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन रूडी ने बिहार सरकार की नीति को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो नीति क्या है। रूडी ने नीतीश सरकार पर तीखे सवाल भी इस दौरान उठाए। अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत। मोकामा के विधायक अनंत सिंह इन दिनों जेल में कई मामलों को लेकर बंद है। हालांकि बीते दिन उन्हें एक मामले में बड़ी राहत मिली, जिसके तहत दो दो जान लेने के मामले में पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अनंत सिंह समेत दो आरोपियों को बरी करने का आदेश जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मामला 30 अक्टूबर 2015 का है। इस दौरान प्रेम कुमार सिंह और जवाहर सिंह की जान ले ली गई थी, क्योंकि खबरों की माने तो अनंत सिंह प्रेम कुमार को अपना अंगरक्षक बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन उन्हें अंगरक्षक बनने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण ही यह घटना हुई थी। तमाम अफवाहों के बीच विराट कोहली ने तोड़ी अपनी चुप्पी, कई बातों का किया खुलासा। बुधवार का दिन क्रिकेट जगत के लिए बेहद ही रोमांचक रहा, क्योंकि बीते दिन ही विराट कोहली ने भारतीय टीम, रोहित शर्मा, उनकी कप्तानी समेत अन्य मुद्दों को लेकर लगातार उड़ाई जा रही अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया, जिसके तहत पहले तो उन्होंने अपने और रोहित के बीच ऑल इज वेल की बात कही, जिसके बाद कप्तानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुझे टेस्ट टीम के चयन से एक या डेढ़ घंटे पहले कप्तानी से हटाए जाने की बात बताई गई थी। इससे पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की गई थी। चयनकर्ता समिति ने टेस्ट टीम पर बातचीत की और आखिर में मुझसे कहा गया कि अब से मैं वनडे का कप्तान नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है, इससे पहले मुझसे कोई बात नहीं हुई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम ने 1929 में हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र आज के दिन बना। तमिलनाडु के कलपक्कम में 1985 में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना हुई। नई दिल्ली में 1993 में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को 2008 में गठित चड्डा समिति की संस्तुतियों को केंद्र सरकार ने मंजूर किया। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म 1937 में आज के दिन हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का निधन 1971 में आज के दिन हुआ था। नई पहल, गांव में रहने वालों को पहुंचाएगी फायदा।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने बुधवार को ग्रामीण स्मार्टफोन यूजर को डिजिटल पेमेंट के बारे में समझाने के लिए एक पहल की घोषणा की है। कंपनी ने बताया है कि पायलट प्रोग्राम डिजिटल पेमेंट्स उत्सव कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों को कवर करेगा और जहां पर यूजर को व्हाट्सएप पे के माध्यम से डिजिटल पेमेंट करने का तरीका बताया जाएगा। यह घोषणा मेटा के लिए एक बड़े इवेंट फ्यूल फॉर इंडिया 2021 इवेंट में की गई। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा है कि पायलट प्रोग्राम की शुरुआत डिजिटल पेमेंट को गांव में बढ़ावा देने के लिए की गई। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,410 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,690 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। यात्री वर्ग कृपया ध्यान दें, मिथिलावासियों को स्पाइसजेट एयरलाइन कंपनी ने बड़ी सौगात दी है। स्पाइसजेट ने जयपुर और दरभंगा के बीच किफायती दर में विमान सेवा की शुरुआत की है, जिसके परिणाम स्वरूप अब दिल्ली के रास्ते जयपुर पहुंचने के कारण ये यात्रा दरभंगा से दिल्ली के लिए भी हो सकती है। अब मिथिला के वासी आसानी से कुछ ही घंटों में देश की राजधानी का सफर तय कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार दरभंगा जयपुर रूट पर स्पाइसजेट ने कनेक्टिंग हवाई सेवा शुरू की है। स्पाइसजेट एयरलाइन ने ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विमान के किराए की दरों में कमी से हवाई यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली याचिका पटना हाईकोर्ट ने की रद्द। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली याचिका को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ही जस्टिस पीबी बजंथरी ने मोहम्मद अनवर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को रद्द कर परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। इस दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई है कि नियमों के अनुसार पूरे सीट के 5 गुना उम्मीदवारों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना था। बीएसएससी ने 5 गुना से कम उम्मीदवारों का परिणाम ही प्रकाशित किया है। कुल मिलाकर बोर्ड 63,739 उम्मीदवारों का ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विपिन कुमार यादव, सरोज सिंह, राजा कुमार, गुड्डू कुमार, शिवम जायसवाल, भगवान मिश्रा, सौरभ कुमार भारती, सिकंदर आलम, संजीव कुमार, इंद्रजीत कुमार, ब्रजकिशोर यादव, आर्यन, नीरज कुमार, उमाशंकर यादव, अनिल सिंह, आलोक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वनडे और T20 में कोहली को कप्तानी से हटाए जाने के बाद उनके प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।